देखो ये पहले देख, ये खोला वो भाई, प्याज की चटनी, सैलेड, सेव और ये मिर्ची, ये लो, ये आ गया हमारा। अब एक और लगा था ऐसे ही। तो भैया आज हम आपको खिलाने वाले हैं बेहतरीन तरीके के ब्रेड पकोड़े। जी हाँ, राजू भैया के फेमस ब्रेड पकोड़े हैं और आप भीड़ देख सकते हो लगी हुई है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ पर आए हैं भाई, कौन से एरिया है? रॉयल बंगलो चौराहा, रॉयल बंगलो चौराहा शुक्लिया। तो दिखाते हैं आपको भाई क्या फेमस ब्रेड पकौड़ा इनका। ये देखो भाई साहब, फ्रेश ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं। तो भैया आपका नाम है राजू? मेरा नाम है राजू। कितना साल हो गए आपको बनाते? 15-16 साल हो गए। क्या बात है, काफी काफी पॉपुलर है आपके ब्रेड पकौड़े। इसके अंदर आलू की स्टफिंग करते? आलू की स्टफिंग है, बहुत बढ़िया। अभी आपके सामने एकदम फ्रेश बन रहा है। यहाँ पे पोहा भी मिलता है, यहाँ पे तरी वाला पोहा भी मिलता है, सादा पोहा भी मिलता है, कचौड़ी भी मिलती है, आलू की कचौड़ी भी मिलती है भाई, मतलब खूब। आज यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे बढ़िया सा और आपको दिखाएंगे एक्चुअली में कि टेस्ट कैसा है। ये देखो, और सुबह कितने बजे दुकान खोलते हो? साढ़े सात। और दोपहर के कितने बजे तक? हम लेते हैं तीन बजे तक। ये देखो ब्रेड पकौड़ा, इसको खोला जाता है, खोलने के बाद इसमें डाली जाती है प्याज वाली चटनी इनकी, ये क्या चीज़ है, सलाद, और ये सेव और ये नींबू और मिर्ची। ये बन गया आपका ब्रेड पकौड़ा सैंडविच। ये देख रहा, वाह, अरे सॉस गिरावन मसाला, क्या बात है। ये है भाई मेन चीज एक्चुअली में यहाँ पे। अभी और लगाएंगे भैया, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं एक बारी में आपको भी समझ नहीं आएगा। ये देखो एकदम गर्मा गर्म है सैंडविच बन रही है, ब्रेड पकौड़ा सैंडविच, जिसके अंदर आलू की स्टफिंग ऑलरेडी है और उसके अलावा भी इसके ऊपर और करी जा रही है, मजेदार। अब हम अपना लगवाएं मनी, अपना लगवाते हैं, दो लगवाते हैं और उसके बाद टेस्ट करके बताते हैं टेस्ट कैसा। देखो ये पहले देख, ये खोला वो भाई, प्याज की चटनी, सैलेड, सेव और ये मिर्ची, ये लो, ये आ गया हमारा। अब एक और लगा था ऐसे ही, ये कितना बढ़िया लग रहा है ना, बढ़िया। ये देखो और आ गया, तो भाई हाथ रुकेगा नहीं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड यहाँ पे बहुत है, एकदम मज़ेदार। और आ गई मिर्ची, ये लो सर। ये हमारे राजू भैया, राजू भैया एक बात बताओ, इसका क्या आइडिया है इसका सैंडविच बनाने का? अरे ब्रेड पकौड़े तो नॉर्मल भी खाते ये लोग, बट इसका अलग मेन जो था ना, सबसे बड़ा काम था वो जो चटनी का है, चटनी जो आपने डाली है इसके अंदर, टेस्टी करके देखो। हाँ नहीं, मैं आपको सब दूर मिल जाएगी मगर इसमें की नहीं मिलेगी चटनी नहीं, बस वाकई में एक अलग चीज़ है। और ये होटल भी खोलने का ख्याल है, परिस्थिति के हिसाब से खोलनी पड़ेगी, मतलब जैसे हम कोई हलवाई भी है, हमको आता ही नहीं था ये काम, परिस्थितियाँ ऐसी बनी, नौकरी का मना करते थे हमारे जो भी उस्ताद थे, नौकरी नहीं करना, धंधा कोई भी करना। अच्छा, कितने साल हो गए? मेरे को यहाँ पे तो हो गए शुक्लिया के अंदर 15 साल। 15 साल हो गए। और इसके पहले मेरी दुकान थी नंदा नगर चौराहे पे, वहाँ सिर्फ चाय बनाता था मैं, चाय और पोहे, ब्रेड बड़ा यहीं चालू करे। नहीं बहुत बढ़िया है, पहली बार किसी ब्रेड पकौड़े के यार मैं वो हरी चटनी और लाल चटनी नहीं खा रहा, पर वाकई में बहुत बहुत अलग है चटनी, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी कहीं भी। ठीक है, अभी यहाँ पर आने पे ट्राई करना, हम बाकी चीज़ें ट्राई करके बताते हैं। और ये रहा भाई इनका जलेबी और पोहा। भाई ये तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि आपको इंदौर में कहीं पर भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहाँ ही कहीं खाना है, तो आप कहीं भी खा सकते हो। बट पोहा तो यार गुरु का पोहा, गुरु साहब का पोहा इज बेस्ट, मतलब गुरु का पोहा इससे बेटर है। जलेबी जरूर बोलूँगा, जलेबी बहुत बढ़िया है। इस कॉम्बिनेशन के लिए ना बंदा इंदौर बार बार आ सकता है, अब सीरियसली वाकई बहुत अच्छा है। अब वो भैया खा के बताएंगे कचौड़ी, ला दो खाओ सर।
एक बार देखिए, आलू की कचौड़ी है जिसके ऊपर वही प्याज की चटनी और सेब ये सब लगा रखा है। तो कॉम्बिनेशन अच्छा है मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट के अंदर। यहाँ पे लोग सारे यही खाते हैं, बट आई थिंक आपको जब आप ये जब यहाँ पे आओ तो ये कचौड़ी और ये ट्राई करना, पोहा और जलेबी आपको कहीं भी मिल जाएगा, बट ये जो प्याज की चटनी जो उसमें डाली हुई है ये थोड़ी यूनिक है एक्चुअली में, ये आपको यहीं पर मिलेगी। तो कभी यहाँ पर आए ट्राई करना और हमें बताना कैसा लगा। थैंक यू सो मच।